नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब योगी राज में सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान मौलाना तौरीक रजा ने किया है। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए तौरीक रजा ने कहा कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, जिसमें सामूहिक निकाह होगा। तौरीक रजा ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन मांगी है। रजा ने कहा कि हमने तो परमिशन मांगी है, हिंदू तो वो भी नहीं मांगते हैं। परमिशन और बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदुओं से विवाह हुआ है। रजा ने कहा कि 21 जुलाई को सुबह 11 बजे खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन निकाह होगा। वहीं इस मामले में बरेली के हिंदू धर्म गुरुओं ने तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री शिरडी साई सरोदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने मौलाना तौरीक रजा के इस ऐलान का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सावन के पवित्र माह में मौलाना तौरीक रजा का इस तरह का ऐलान कहीं न कहीं बरेली की शांति को भंग करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि मौलाना तौरीक रजा हमेशा अशांति फैलाने वाले बयानों को जारी रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन से पंडित सुशील पाठक ने अपील की है कि वह मौलाना तौरीक रजा के खिलाफ 23 युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मौलाना तौरीक रजा को इस आयोजन की परमिशन नहीं देनी चाहिए। साथ ही वहीं मौलाना के बयान पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का भी बयान सामने आया है। पहले सुनिए राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके विवादित बयान दे करके सुर्खियों में आने के लिए तरह तरह के यत्न करते रहते हैं और इसी प्रकार का प्रयास वो फिर कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना है, चिंता में उतारने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। किसी को लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर बहला फुसला करके या डरा धमका करके अगर आप मजहब परिवर्तित कराने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे मौलाना तौकीर रजा की तमाम गीदड़ भभकियां, तमाम उनके इस तरह के बयान केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए होते हैं, उनकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं मौलाना के बयान के बाद से हिंदू संगठनों ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है और नाराजगी भी व्यक्त की है। बरेली पुलिस ने मौलाना के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। SSP अनुराग आर्या ने कहा कि कल सिटी मजिस्ट्रेट को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इसकी जांच स्थानीय पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस द्वारा की जा रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और LI द्वारा की जा रही है। बाद जांच याचिका प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब मौलाना तौरीक रजा के बयान पर काफी विवाद बढ़ा हो। इसके पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे काफी विवाद खड़ा हो गया है और राज्य का माहौल गर्मा चुका है। लेकिन जिस तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान मौलाना ने किया है उससे कहीं न कहीं देश और राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा जरूर है। देखना होगा कि अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। मौलाना के बयान को लेकर के आपके मन में क्या है और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी .com। धन्यवाद।